राधे कृष्ण भक्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी के समक्ष एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कार्तिक मास में आप यदि भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करते हैं, उनकी जो है पूरे भक्ति भाव से आराधना कर रहे हैं, तो अगर आप पूजा के दौरान दीपक लगाते हैं और उस दीपक में, उस ज्योत में जो है फूल बनते हैं या लौंग लगता है या किसी भी प्रकार की आकृति बनती है, तो इसका क्या संकेत होता है? भगवान विष्णु आपको इस फूल के माध्यम से क्या संकेत देते हैं? आज उसी के विषय में मैं आप सभी को जानकारी दूंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं करते हुए चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। साथ में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी कार्तिक मास चल रहा है, बहुत ही पावन अवसर है। कहा जाता है कि चिरकाल तक भगवान विष्णु जो है योग निद्रा से बाहर आते हैं, तो कार्तिक मास जो है आरंभ होता है। इस मास में जितने भी मंगल कार्य हैं वो सभी होने लगते हैं। वैकुंठ की दसों द्वार जो है इस काल में, इस मास में जो है वो खुले रहते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं इसमें पूजा विधिवत तरीके से करते हैं। तो आप भी यदि इस मास में पूजा करते हैं, भगवान को दीपक लगाते हैं, श्री हरि विष्णु को दीपक लगाते हैं, तो उस दीपक में यदि फूल बनते हैं या किसी भी प्रकार की आकृति बनती है, जैसे कमल का पुष्प हो गया, शंख चक्र, जो भी भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़, या किसी भी चीज़ की आकृति बनती है भगवान विष्णु से संबंधित, तो समझ ले कि भगवान विष्णु आपकी पूजा जो है वो स्वीकार कर चुके हैं। आपने जो भी उनको प्रेम से, जो भी स्नेह से, जो भी अपनी भावनाओं के अनुसार उनकी पूजा की है, सच्चे हृदय में अपनी भक्ति को रख करके, वो उन्होंने स्वीकार की है। अतः जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो अब पूर्ण होने वाली है। तो भगवान दीपक में फूल जो हैं या फिर कोई आकृति बनाकर वो आपको संकेत दे रहे हैं। तो यूं ही इस कार्तिक मास में आप भगवान विष्णु की पूजा करते रहिए और यूं ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते रहिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे।